नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इंडोर डेकोरेटिव प्लांट की लिस्ट में अरेका पाम का नाम सबसे पहले आता है। ये ऐसा प्लांट होता है जो कई सालों तक हमारे गार्डन में रह जाता है और इस प्लांट की हमें अधिक देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। इस प्लांट को अधिक सनलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल ब्राइट लोकेशन ही काफ़ी होती है। इस प्लांट को आप अधिक सनलाइट वाली लोकेशन में रखोगे तो इसके पत्तों की टिप ब्राउन हो जाएगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस प्लांट से रिलेटेड पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अरेका पाम के पौधों को हमें कैसे लगाना है, कैसे इनकी देखभाल करनी है और समय समय पर हमें इन पौधों में कौन कौन सी खाद या फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपने ये प्लांट नहीं लगा रखा है तो अभी भी आप नर्सरी से ये प्लांट खरीद कर ला सकते हैं। ये प्लांट हमें कम से कम 100 रुपये में मिलता है। इसका छोटा प्लांट हमें 50 रुपये में भी मिल जाएगा। यदि आप ये प्लांट लगाते हैं तो आप इसको एक बड़े साइज़ के गमले में लगा लें ताकि इनको बार बार रिपोर्ट ना करना पड़े। यदि आप इन प्लांट्स को 15 से 16 इंची साइज़ के गमलों में एक बार लगा लोगे तो 4-5 सालों तक ये पौधे उसी गमले में रह जाएंगे। उसके बाद आप इनको रिपोर्ट कर दें। यदि आप इन प्लांट्स को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रख लें कि इनके पत्तों की टिप ब्राउन नहीं होनी चाहिए। यदि इनके पत्तों की टिप ब्राउन हो जाएगी तो इनकी सुंदरता कम हो जाती है। डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, इनकी सुंदरता बनी रहनी चाहिए, इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसके पत्ते हरे भरे रहने चाहिए और इसके कोई भी पत्ते ब्राउन नहीं होने चाहिए और ना ही इनके पत्ते पीले होने चाहिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इनके पत्तों को हरा भरा रखने के लिए हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है और समय समय पर हमें इस पौधे में कौन कौन सी खाद या फर्टिलाइज़र डालनी है। अरेका पाम के पत्तों के ब्राउन होने के दो ही कारण होते हैं। पहला तो ये है कि इसमें जब अधिक सनलाइट गिरती है तो इसके पत्ते ब्राउन हो जाते हैं। दूसरा, जब अधिक सर्दी का सीज़न आता है, दिसंबर जनवरी में इसके पत्ते ब्राउन होने लगते हैं। इसलिए हमें इस पौधे की देखभाल के लिए ऐसी लोकेशन रखनी है जहां ये पौधे सर्दी से भी बचे रहें और अधिक गर्मी से भी बचे रहें। अरेका पाम के पौधों को जब आप लगाते हैं तो इनकी वाटरिंग का भी विशेष ध्यान रखें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये पौधे ओवर वाटरिंग में सूख जाते हैं और इन पौधों में कम पानी भी नहीं डालना है। कम पानी मिलेगा तो इसके पत्ते पीले हो जाते हैं और जब अधिक पानी मिलता है तो इनकी स्टेम गलने लगती है, इसलिए हमें इनकी वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर वाटरिंग से इन पौधों को बचाने के लिए हमें इनकी मिट्टी हल्की बनानी है जिसमें बालू मिट्टी अधिक मिक्स हो। बालू मिट्टी नहीं है तो आप इसमें हल्की सी कोकोपीट भी मिला सकते हैं, मगर इन पौधों में आप मिट्टी में नमी बनाए रखें, इनकी मिट्टी को अधिक ना सूखने दें। जब इनकी मिट्टी कई दिनों तक सूखी रहेगी तो इनके पत्ते नीचे से सूख जाएंगे और इनकी ग्रीनरी कम हो जाएगी। कई साल से ये पौधे मेरे गार्डन में हैं और मैं इनकी लोकेशन को भी बार बार चेंज करके देखता रहता हूँ। जब बरसात का सीज़न होता है तो मैं इनको बाहर रख देता हूँ। बरसात का पानी इन पौधों पर गिरता है तो इनमें नई जान आ जाती है और इनकी ग्रीनरी भी बढ़ जाती है, मगर जब धूप गिरती है तो इनके पत्ते जल्दी ही सूख जाते हैं। इसलिए आप इनकी ऐसी लोकेशन रखें जहाँ इनको ब्राइट फिल्टर्ड सनलाइट मिलती रहे और डायरेक्ट सनलाइट से ये पौधे बचे रहें। अरेका पाम के इन पौधों को बार बार नर्सरी से खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप इनका एक छोटा प्लांट भी लगा लोगे तो एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। 2-3 साल में इनका गमला भर जाता है क्योंकि इनके मेन स्टेम के पास से नए नए स्टेम निकलती रहती हैं और ये पौधा घना बन जाता है। यदि बरसात के सीजन में आप इनको डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगाना चाहते हैं तो आसानी से लगा सकते हैं। अरेका पाम के पत्तों को आप हरा भरा रखना चाहते हैं तो आप इनकी मिट्टी में ऐसी खाद डालें जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो। जब पौधों की मिट्टी में नाइट्रोजन डाली जाती है तो पौधों की नई नई पत्तियां निकल कर आती हैं और पौधे हरे भरे हो जाते हैं। ऑर्गेनिक खाद ही हमें डालनी है, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमें इन पौधों में नहीं करना है। मैं अपने इन पौधों में केवल ऑर्गेनिक देसी पुरानी गली हुई गोबर की खाद ही डालता हूँ। बस इन सब बातों को ध्यान में रखिए और आपके अरेका पाम के पौधे हरे भरे रहेंगे और इनकी लगातार ग्रोथ होती रहेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।